ये होगी ओरिजिनल फोर्ज्ड कार्बन, ओरिजिनल फोर्ज्ड कार्बन, नॉट हाइड्रोडिंग, नॉट लाइक नाडो, ठीक है, नाडो में जो सस्ता होगा करो वो नहीं है, ये महंगे वाला हम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, समझ में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। आज के व्लॉग में हम मार्केट्स की कुछ इंटीरियर की जो चीज़ें हैं ना उनके साथ हरकत करने लगे हैं। हरकत क्या करने लगे हैं, हरकत बड़ी अच्छी करने लगे हैं। ये मार्केट्स के जो इंटीरियर के पार्ट्स आप देख रहे हो, दीज आर रैप्ड, ठीक है, ये रैप्ड हुए हैं और ये कितनी देर चलते हैं, 4-6 महीने चलेंगे। और ऊपर से इस तरह के ये देख रहे हो बबल्स आ जाते हैं, फिर साइड से रफ रह जाता है, जैसे कि ये देखो, अब यहाँ से वुडन है, यहाँ पे पेपर लगा हुआ है, ये वुडन है, तो ये जो नीटनेस है वो रैप करवा के नहीं आती, वो आती है आपको महंगा काम करके। कार्बन फाइबर में आप करवा सकते हो, आप उसके अलावा फोर्ज्ड में करवा सकते हो, डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स हैं जिसके अंदर आप इसको जो है ना खूबसूरत बना सकते हो अपनी गाड़ी का इंटीरियर। ये वाली वुड, अगर मेरे पास मरून वाला इंटीरियर होता ना इसका, मैं शायद चेंज ना करता, लेकिन ये जो है ना बड़ा फीका फीका लगता है ब्राउन, और रैप क्योंकि ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो मज़ा भी नहीं करवाता, तो हमने इसके साथ पंगा लेना है। बस इसको लेकर निकलते हैं, बाकी डिटेल्स जो है आपको बाद में दूंगा, ये चीज़ें एक जगह पैक करके लेट्स गो। ओके, जिस कदर लाहौर में जो है गर्मी पड़ रही है ना यार, कसम से इतना दिल कर रहा है पहाड़ों वाली साइड भी जाने का कि यार बात पूछे यहाँ, लेकिन उधर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, मैं ये देख के पीछे हट जाता हूँ कि यार उधर जाके भी ट्रैफिक में ही फंसना है, इससे अच्छा घर पे एसी लगा के बैठे रहो। अच्छा, एक और ज़रूरी काम जो हमने करना है ना वो ये है कि हमने रिम टायर पकड़ के, तो रिम टायर वर्कशॉप छोड़ने हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये है, 2 रिम टायर हैं एक्स्ट्रा, स्पेयर टायर जो होता है, क्योंकि हमने 2 जो थे वो सड़ा दिए थे ऐसे गार्डन जाके, अगर आपको याद हो, घुमा घुमा के गाड़ी, तो इसलिए हमारे पास फ़िलहाल तो 2 स्पेयर टायर हैं, तो एटलीस्ट हम अपने 2 रिम टायर तो बचा ही सकते हैं वर्कशॉप से। उसके अलावा जो 2 और हमें चाहिए उसका भी कोई इलाज ढूंढते हैं, बिकॉज वी नीड इट। सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी ये मोहब्बत सताया वे, सारी रात जागी ना सोई वे, टायर भी ले पा, हाँ ले यार, दरवाजे नहीं बंद हो रहा, अब ये कौन है यार, आप कौन, कहाँ लगाया फोन? प्यारे भाइयों, सीन ये चल रहा है कि टायर हमने उठा लिए हैं, 2 रिम टायर अपने दोस्त के घर से उठाए हैं जो हमने रखवाए थे पहले पेंट के लिए गाड़ी देने से पहले पहले। ओए ओए भाई, डेंजरस काम चल रहा है यार इधर, तो टायर में हवा भरवानी है, एक टायर में कम है और हमने छोड़ देने हैं वो रिम टायर वर्कशॉप पे, आज शायद ना लगे, वो कल खुद लगा लेंगे, फिर हम कल आके वो रिम टायर ले लेंगे, क्योंकि रिम टायर नहीं ख़राब होने देना, साफ़ सुथरा हमारा रिम टायर है, गंदा ना हो जाए। ये है और एक छोटी है, एक ये है, तो वही सीटें जो कल हम छोड़ गए थे वो भी गाड़ी में रख लेते हैं, एक सीट वो भी आ जाएगी मेरे ख्याल से फ्रंट वाली, रख तो सही, पहले ये तो रख पास में ना जाए। चलो ठीक है, अभी कल तो आए थे वैसे, कितने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे इन्होंने, लेकिन डेंटिंग शेंटिंग जारी है भाई गाड़ी की, अपडेट साथ साथ देते हैं आपको। ये जो है ना इसके मेन अभी फेंडर बन रहे हैं, फेंडर क्योंकि इसके बड़े ही फारे किए हुए थे हमने, फेंडर इसके बनेंगे, चीज़ें छोटी छोटी बनेंगी, फिर गाड़ी हमारी जो है ना वो बेस के लिए तैयार होगी, लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम है,
गाइस क्या हुआ है, पकड़ो ना, पियो नहीं नहीं पियो आप, और नहीं नहीं असद भाई आप पिए, असद ओ असद भाई तकल्लुक ना करें, असद भाई पिए आप, बॉस कह रहे भाइयों ये ना अपनी तरफ से जिम जाता है और इसके अंदर कैलोरीज आप जरा चेक करें, इसके अंदर एनर्जी वन एक सेकेंड ब्लर हो गया है, ओ 130 किलो कैलोरीज पर सर्विंग, और ये बंदा तीन जूस के डब्बे हड़प कर गया और इस बंदे ने डिकार भी नहीं मारा है। 390 किलो कैलोरीज और ये 540 इसका टारगेट है पूरे करने का, इंशाल्लाह खाएंगे भी। अस्तगफिरुल्लाह, इसका नाम हमने रख दिया असद द जायंट, वो भी परेशान हो गया कैलोरीज देख रहा था, वो पीला हो गया। इसके अंदर कितनी कैलोरीज होती है बॉस? डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जाना किधर है, ट्रिप पे, ट्रिप प्लान हो रहा है जी, जो आज से साल पहले शुरू हुआ था, तीन साल पहले मैं तो चला गया था अपने दोस्तों के साथ, तुम नहीं गए थे हमारे साथ। खैर एनीवेज बॉयज, जो है ना ट्रिप प्लान हो रहा है, ग्वादर गया, कराची गया, मुल्तान गया, हर जगह के ट्रिप प्लान कर दिए हम, वर्चुअली हो भी आए हैं हम, यहाँ पे प्लान करके घर जाते थे, ख्वाब में हो के वापस आते थे, फिर सुबह थके होते थे। इस कदर हम लोगों ने जो है ना पाकिस्तान एडवेंचर किया है, तो आज जो है ना वो प्लान हो रहा है कि हमने जाना किधर है। ये तो भाईजान सुबह जा रहे हैं इस्लामाबाद माउंटेन्स कॉलिंग, कल इस्लामाबाद ही चलो लड़का चला जाएगा, और ये कह रहा है मैं वापस आऊँ तो तुम लोग तैयार हो ताकि हम अगले ट्रिप पे चले जाएँ। इस कदर लड़का जो है ना वो क्रेजी हुआ होगा, लेकिन आप भी कमेंट्स में सजेस्ट करें कि हम कहाँ पे जाएं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हम चारों को, हमने जाया नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझे नहीं स्ट्रेस। हाँ ये इसीलिए जा भी नहीं रहा, ये स्ट्रेस जूस पी के खत्म कर रहा है अपना। सोचा जा रहा है, पिछले साल भी सोचा था और कहीं नहीं गए थे, एंड पे हम नथिया गली से होके आ गए थे। ये पिछले दो सालों से मेरे साथ हो रहा है, 2020 से ऑनवर्ड मेरे साथ ये हो रहा है। लास्ट टाइम 2020 में आपका भाई फेरी मेडोज गया था, बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि ये कभी फेरी मेडोज से होके आया था, और वो मैंने ट्रिप के ब्लॉग्स डाल लगाए थे, अब इसी चैनल पर मैंने पोस्ट किए थे, लेकिन खैर वो पुरानी बात है। उसके बाद नथिया गली के दो चक्कर लगे हैं, वो भी हम मार्केट्स पे गए थे और एक दफ़ा ट्रियो के साथ गए थे, लेकिन ऐसी ज़िंदगी में वो आप कह लें नज़र लगी है तो क्या हुआ है मुझे नहीं पता, कि हम नथिया गली से जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी जो है ना बॉयज़ के साथ ये बैठ के प्लान कर रहे थे कि हमने नॉर्थ कब जाना है, और अल्लाह करे प्लान बन जाए हमारा, इसीलिए मैं आपसे भी सजेशन मांग रहा था थोड़ी देर पहले कि आप सजेस्ट करो कमेंट में कि कहाँ पर जाना चाहिए। उसके अलावा एक भाई साहब का वेट कर रहे हैं हम, माशाल्लाह से चकवाल से आए हैं, बहुत ही लेट हो गए हैं, 11 बजे हैं गैस, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, उनका इंतज़ार है, जैसे ही वो आते हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। बॉयज मेरा नया स्टेयरिंग ये नहीं है, कुछ इस तरह से लगेगा हमारा नया स्टेयरिंग, और ये हैं वो भाई साहब मुर्जा भाई, ये भाई आए हैं ये स्टेयरिंग लेके फ्रॉम स्ट्रेट आउट ऑफ चकवाल। तो क्योंकि होने जा रही है इंटीरियर पे थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत में अभी फ़िलहाल पहला स्टेप स्टेयरिंग पे लिया गया, स्टेयरिंग ये मेरा नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए मंगवाया गया कि यार किस तरह का लगेगा, फाइनल लुक क्या होगी, और अभी इसमें भी चेंजेस होंगे। ये है स्वेड लेदर, अगर आप इसको हुज़ैफ़ा भाई की ज़ुबान में एल्कंटारा कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं आप। और इसका बेसिकली ये फ्लैट बॉटम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये ऊपर से जो फ्लैट हेड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टॉप फ्लैट कह लें या कुछ भी अंग्रेज़ी में आपने अच्छा लफ्ज बनाना है तो हैं, तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि ये ऊपर से गुलाई में हो और नीचे से फ्लैट बॉटम हो, जैसे ये अभी है, बाकी चीज़ें लुक्स गुड। ये साइड वाली चीज़ें तो खैर ये शायद कैमरी का है, मेरा ख्याल है कैमरी का, नहीं है करोला का है, हाँ ये 2012-11-12 का। तो फिलहाल स्टेयरिंग वाला स्टेप है हमारा, फोल्ड कार्बन में हमारा इंटीरियर की गेम बनने लगी है, साथ ब्लैक का कंट्रास्ट होगा। आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत सारी हैं छोटी छोटी, जो कि हम ये भाई से जो है ना करवाने वाले हैं, और ये होगी ओरिजिनल फोल्ड कार्बन, नॉट लाइक नाडो, ठीक है, नाडो में जो सस्ता होगा ना वो नहीं है, ये महंगे वाला हम करवाएंगे। तो बॉयज फोर्ज कार्बन जो है वो इंटीरियर में नहीं होता, आप एक्सटीरियर में भी कर सकते हो, ये डिफरेंट पैनल्स हैं जो कि इसके फोर्ज कार्बन हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है यार फोर्ज कार्बन, नो डाउट इट इज़ वर्थ इट, टेक्सचर इसका बड़ा प्यारा है, और इंटीरियर में अगर आप देखते चलें तो इंटीरियर को हुआ क्या हुआ है, नहीं नहीं ये ऊपर क्या है, कारपेट है, अच्छा ओके। खैर इंटीरियर के एयर वेंट्स हुए माशाल्लाह, वोला बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि आप समझ रहे हो कि ये भैया तो बेज के साथ भी अच्छा लग रहा है,
छोटे भाई नहीं नहीं यार क्या भाई कर यू क्रेजी इसका बेज कितना वो क्लीन है नीट सा कवर कर रहे हैं हम भाई पहले पहले कह के होने कवर कर रहे हैं यार बढ़िया गया बढ़िया गया ओ भाई कब साथ ले आए उनको वापस करना है अपना ही है डॉक्टर्स कैप पे आए नाजरीन इधर बस ये पकड़े सामान ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें इंटीरियर का सारा वुडन पार्ट है और गियर नॉब है एक ठीक है ये आपने बनी ये मुर्जा भाई थे बड़े प्यारे भाई यार ही इज़ हेल्पिंग मी आउट विद द इंटीरियर ऑफ द कार और बाकी ये है कि यार मैं अभी कुछ कन्फ्यूज हूँ कि जो छत वगैरह है और जो इसके साइड पिलर वाला पार्ट होता है जैसे कि ये वाला पार्ट गाड़ी के वो बेज है और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा है छत पे भी कपड़ा है और ये साइड पैनल पे भी जो इस पिलर को कवर करते हैं ना उसके ऊपर भी कपड़ा लगा हुआ है तो मैं वो सोच रहा हूँ कि उसका क्या करें ही वो सजेस्टिंग मी कि इसके ऊपर आप स्वेड ही करवा लो जो आप स्टीयरिंग पे कपड़ा लगवा रहे हो ना साइड्स पे वो आप स्वेड में ही ये सारी चीज़ें करवा लो लेकिन जब वो स्वेड करते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्वेड करनी पड़ेंगी कि मैंने मुर्जा को जो है गाड़ी एक दफ़ा दोबारा दिखानी है फ्रॉम एक्सटीरियर एक्सटीरियर में हमने देखना है कि एक्सटीरियर में हम क्या कर सकते हैं क्रोम डिलीट भी ये करता है मुर्जा और बाय द वे आप लोग ज़रूर पूछोगे मुझे पता है हर दफ़ा कमेंट में पूछते हो मैं भूल जाता हूँ हमेशा बताना उसके लिए माजरत कि ये अगर काम आपने करवाना है तो इन्फोर्सर्स कार्बन फाइबर इसका इंस्टाग्राम हैंडल है मुर्जा का और डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है आप इसे कॉन्टैक्ट करके अगर अपनी अपनी गाड़ी का करवाना है तो आप इसे ज़रूर करवाओ बहुत गुड बॉय है और काम इसका ना मुझे ऑनेस्ट बात बताऊँ तो बहुत पसंद है जो ज़ैफ़ा की गाड़ी में काम हुआ है वो भी इसी ने किया था और अब नाउ ही इज़ हेल्पिंग मी विद माई प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जाऊँगा क्योंकि गाड़ी मेरी इस वक्त पूरी खिल रही पड़ी है या तो गाड़ी पैक होना तो आपको याद आता है अच्छा हाँ यार ये भी करवा लेता हूँ ये भी करवा लेता हूँ अब आपकी गाड़ी पूरी खुली हुई है आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ आपने करवानी है आपके सामने फिजिकली गाड़ी अभी इंटीरियर पूरी पैक नहीं है गाड़ी का इंटीरियर तो इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बाकी यार दुआ करो आप भी मैं भी दुआ करता हूँ कि गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर हम अच्छा सा बना पाएँ एक ही साथ सारा कुछ लेकर चल रहा हूँ ताकि आफ्टर पेंट वगैरह ये इसके ऊपर मजीद मैं इसको वर्कशॉप के धक्के ना लगाऊँ गाड़ी को आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में भाई को याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़ ख्याल रखें बाय बाय